गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 28 जून 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में स्वागत करती हूँ। तो आज क्या है देश और दुनिया में नया, क्या है इकोनॉमिक्स में नया, क्या है स्पोर्ट्स में नया, इसमें देख लेते हैं हम लोग आज के दिन करंट अफेयर्स में क्या न्यू क्वेश्चंस हमारे ऐड हुए हैं। इसके अलावा जो व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेंस की सीरीज़ वहाँ चलाई जा रही है, GS 1, 2, 3, 4 प्लस प्री के रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन चला रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे TIFF 2020 के अम्बेसडर में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप, अनुष्का शर्मा या ए और भी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोनों। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम TIFF जिसको कहते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45th संस्करण के 50th अम्बेसडर्स में इन्हें शामिल किया गया है। और TIFF मतलब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है। तो ये खोला गया है अमेरिका में। अमेरिका जिसे यूएसए भी कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है, इसकी जो करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर, इस समय राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, इसे कांग्रेस कहा जाता है, जैसे कि इंडिया की संसद को संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है। तो ये सौंपी है FSSAI को। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। और सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, इसका आंसर होगा NTPC। और NTPC की जो फुल फॉर्म होती है ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है NTPC। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इस समय इसके करंट CM और चेयरमैन और MD है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगम नेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। तो ये है महाराष्ट्र की, क्योंकि नाम से ही आप लोगों को पता चल गया कि महाराष्ट्र का है ये। ये जो विठाबाई नारायण गावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये तमाशा कलाकार को दिया जाता है जो लोक कला के क्षेत्र में होता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भरत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, और नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है बोरीवली जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, चंदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क और तंसा नेशनल पार्क। तो ये सारे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % घटने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है 4.5%। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की ऐतिहासिक कमी कहा है। इसके अलावा IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि से बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर जताई है। अगर हम यहाँ IMF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए TV के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाल ही में ऐप लॉन्च किया है। तो TV से रिलेटेड जो भी ऐप होगा वो ट्राई ही लॉन्च करता है। ट्राई मतलब कि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में TV सिलेक्टर
टीवी चैनल सेलेक्टर नाम से ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ग्राहक टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मनपसंद नापसंद चैनलों को अपने पैक से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दी है? तो ये दवा है रेमडेसिविर। यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरल रक्तस्रावी बुखार इबोला के इलाज के लिए यहाँ पर किया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है हमारे पास रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान या नितिन गडकरी। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधा, योगी की तारीफ की और नसीहत दी कि खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? तो ये कहा है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की गिरावट देखी गई है और देश के धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़े वर्ग मतलब कि ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये किया है अभी 6 महीने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अब आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक होगा। इस आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसे ईपीएल कहा जाता है में लिवरपूल ने कितने वर्ष के बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है? तो ऑप्शन है हमारा 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 30 ईयर्स। इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसको ईपीएल भी कहा जाता है, लिवरपूल ने 30 वर्ष बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है। 132 वर्ष के इतिहास में मैनचेस्टर यूनाइटेड 20 के बाद लिवरपूल 19 के पास ही सबसे ज़्यादा लीग के खिताब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी न्यूजीलैंड और कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ ऑस्ट्रेलिया। फीफा परिषद के मुताबिक वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। इन दोनों पड़ोसी देशों ने कोलंबिया को 22-13 के मत से पछाड़ दिया है। इस विश्व कप में टीमों को बढ़ाकर 32 यहाँ पर कर दिया गया है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।